देखते रहिए UVN0@बीनागंज से। धर्मेंद्र उप्रेती की रिपोर्ट। बीनागंज में आज शिल्पकार समाज द्वारा भगवान विश्वकर्मा की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। भव्य शोभा यात्रा शिल्पकार धर्मशाला से पूजा अर्चना के बाद प्रारंभ हुई। नगर में समाज के वरिष्ठ जनों को स्वागत साफा बांधकर नगर के सभी सम्माननीय लोगों का भव्य स्वागत किया गया। आगे भी देखते रहिए UVN0@। देखते रहिए UVN0@। धर्मेंद्र उप्रेती की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश मीना समाज सेवा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता आयोजित कर समाज के भोपाल में आयोजित समाज के महाअधिवेशन में शामिल होने की अपील की। बीनागंज चाचौड़ा नगर के जलसा गार्डन में तहसील स्तरीय पत्रकार वार्ता का आयोजन मध्य प्रदेश मीना समाज सेवा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश सिंह मीना ने किया। इस अवसर पर तहसील के समस्त प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों ने भाग लिया। कोई व्यक्ति बाहर पलायन ना करे, इस तरह की कोई व्यवस्था जनप्रतिनिधियों के माध्यम से बनाने की कोशिश करें। सर, जैसा आपने छात्रावास वहाँ पर भोपाल में एक निर्माण हुआ है अभी नया, तो ऐसा छात्रावास यहाँ पर भी बन रहा है, तो क्या क्या सुविधाएं और आगे भविष्य में आप देना चाहेंगे छात्रों को? यहाँ मैं ये चाहूँगा कि ना केवल मीना समाज का बल्कि सर्व समाज का छात्रावास बने, उसमें गरीब छात्रों को अपना पढ़ के और अपना करियर बना सके। इसलिए मैं आगे इस दृष्टि में काम करूँगा। ज़रूरत पड़ी तो मैं अपनी खुद की ज़मीन पर उस छात्रावास को बनाऊँगा। सर, जिस प्रकार आप बोल रहे हैं कि राजनीति से मेरा कोई मतलब नहीं है, लेकिन यदि आपका नाम सामने आता है तो आप क्या करेंगे फिर? नहीं, मेरा नाम सामने आने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता, क्योंकि मैं अभी सरकारी नौकरी में हूं और होगा भी तो मैं विनम्रता पूर्वक मना कर दूंगा। तो क्या संगठन आगामी चुनाव में कोई अपना प्रत्याशी उतारेगा क्या चाचौड़ा क्षेत्र से? संगठन का इस तरह का प्रत्याशी उतारने का कोई अभी इरादा नहीं है, लेकिन 29 तारीख की बैठक में सभी वरिष्ठजन जो निर्णय लेंगे उसका संगठन पालन करेगा। आज जो बैठक रखी गई है किस उद्देश्य को लेकर और आगे क्या रणनीति रहेगी मीना समाज? माननीय मुख्यमंत्री जी ने 18 फरवरी 2018 को संगठन के मंच पर 2 लाख लोगों की उपस्थिति में ये घोषणा की थी कि मीना समाज को आरक्षण दिया जाएगा। 2003 2013 तीनों बार के विधानसभा चुनाव में घोषणा पत्र में ये कहा था कि मीना समाज की आरक्षण की चिट्ठी जरूर जाएगी जी, लेकिन उस घोषणा को आज 6 महीने हो गए, आज तक कोई चिट्ठी नहीं गई। इससे पूरे समाज में आक्रोश व्याप्त है और इसको लेकर 29 सेप्टेम्बर को महाधिवेशन बुलाया गया, उसमें समाज के सभी पूर्व सांसद पूर्व मंत्री और समाज के सभी वरिष्ठ जनों को आमंत्रित किया गया, उसमें यह निर्णय लिया जाएगा कि अब आगे क्या किया जाए।